जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने पर लगेगा 75,000 रुपयों का जुर्माना या 5 साल की हो सकती है जेल। मुंबई पुलिस को चुनौती देने वाला चोर गिरफ्तार, इसने कहा मुझे भगवान भी नहीं पकड़ सकते। देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर विचार। थाने जिले के घोड़बंदर रोड पर एक गैस टैंकर पलट गया, कोरियर कंपनी में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरों में आपका स्वागत है। नई दिल्ली, शुक्रवार 5 फरवरी 2021 के रोज संसद भवन में राज्यसभा की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा जानवरों के संबंध में अधिक कठोर दंड लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। PCA यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 में संशोधन की आवश्यकता को मान्यता दी गई। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन के कार्यों से पशु की मृत्यु होने पर जुर्माना 75,000 रुपए या पशु लागत का 3 गुना करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 5 वर्षों तक की जेल या सजा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तैयार किए गए मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो स्थायी विकलांगता का कारण बनती है, और क्रूर अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु भी शामिल है। मसौदे के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपयों से लेकर 75,000 रुपयों तक के जुर्माने और 5 वर्षों तक की जेल की सजा का प्रावधान है। मौजूदा कानूनों में जानवरों की पिटाई, लात मारना, यातना देना, भूखा रखना, अधिक सामान लादना, बहुत ज्यादा दौड़ाना या चलाना और क्रूरता से मारना जैसे किसी भी कार्य के लिए 10 से 50 रुपए के बीच का जुर्माना लगाया जाता है। परंतु इसमें क्रूरता के लिए विभिन्न प्रकार के अपराध नहीं है, इसलिए नए कानून के अधिनियमों में पशु को मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी खबर मुंबई से है। शनिवार 6 फरवरी 2021 के रोज 26 वर्षीय हिस्ट्री शीटर पप्पू हरिश्चंद्रा उर्फ जो 2013 से वांटेड था, फरार था। पप्पू ने आरए पुलिस स्टेशन में एक गुप्तचर के जरिए खुली चुनौती ओपन चैलेंज पुलिस विभाग को भेजा था। उसने कहा था कि मुझे भगवान भी नहीं पकड़ सकते, तो पुलिस वालों को तो भूल ही जाओ, जिसके कारण पुलिस ने इसकी चुनौती स्वीकार की और इस मामले को सुलझाने के लिए गुप्तचरों और तकनीकी यंत्रों की सहायता लेकर साथ ही साथ ट्रैप लगाकर पप्पू उर्फ खोपड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू उर्फ खोपड़ी के विरोध में मुंबई में कई जगहों पर जैसे पवई, साकिनाका, MIDC, आरए पुलिस थाने और अन्य कई पुलिस स्टेशनों में अपराध के मामले दर्ज है। आखिरकार मुंबई पुलिस ने पप्पू के चैलेंज को स्वीकार करते हुए पप्पू को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल ही दिया। तीसरी खबर, रविवार 7 फरवरी 2021 के रोज एक विशेष खबर सामने आई है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। विशेषकर देश के हाईवे पर दुर्घटनाओं के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। इन बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार पहुंचाने का काम करेगा। जानकारी के अनुसार ये एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होगी, जो हाईवे पर होने वाले किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के दौरान तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस सर्विसेस को सूचना देगी, और ये सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से लैस होगा ताकि घायलों को शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने मीडिया को बताया कि यदि पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल एक ही नेटवर्क में आ जाए या एक ही नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए तत्काल उपचार संभव होगा, और ये सिस्टम राहत व बचाव कार्य में भी पूरी सहायता करेगा। इन सारे मामलों पर सड़क परिवहन और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले में कैशलेस यानी बिना पैसों से उपचार उपलब्ध कराने पर भी विचार विमर्श कर रही है।
चौथी खबर है सोमवार 8 फरवरी 2021 की रात 11:15 के आसपास टाटा प्रोपेन गैस टैंकर क्रमांक GJ06AZ8841 जो जगदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी का है, जिसमें 16.44 मैट्रिक टन प्रोपेन गैस भरी हुई थी, पलट गया। टैंकर चालक किशन सिंह इस टैंकर को राज्य गुजरात के जामनगर शहर से चलाकर ला रहा था और उसे नागोठाने कोकण तक पहुंचना था, परंतु राज्य महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित घोड़बंदर रोड पर रोड के खराब होने के कारण टैंकर सड़क पर ऊपर नीचे होकर अंत में पलट गया। जिस सड़क पर इस टैंकर की दुर्घटना हुई वो रोड थाने शहर की तरफ जा रहा था। इस रोड पर गायमुख जकातनाका के पास थाने महानगर पालिका स्कूल नंबर 97 के सामने घोड़बंदर रोड थाने पश्चिम इस स्थान पर यह दुर्घटना घटी है। घटना स्थल पर सूचना मिलते ही क्षेत्र की पुलिस विभाग की टीम, यातायात विभाग की टीम और RMDC सहित अग्निशमन दल की टीम, जो अपने साथ एक फायर इंजन, एक रेस्क्यू वाहन और एक हाइड्रोलिक वाहन लेकर पहुंची, परंतु इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और न किसी के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। बचाव अभियान जोरों शोरों से चला क्योंकि इस दुर्घटना के कारण घोड़बंदर रोड पर यातायात जाम हो गया, वाहनों की कतार लग गई थी। कैसे हुई ये दुर्घटना और कैसा रहा वहां का दृश्य देखिए। पांचवी खबर है मंगलवार 9 फरवरी 2021 के रोज कोरियर कंपनी का एक मामला प्रकाश में आया है कि डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कोरियर कंपनी में कुल मिलाकर 2,47,705 रुपए कीमत का माल मुद्दा चोरी कर लिया गया है। अज्ञात चोरों ने इस कंपनी से 2,45,705 रुपए रोकड़ा रकम रखे हुए लोहे के गोदरेज कंपनी की मैट्रिक्स लॉकर यानी तिजोरी और 2,000 रुपए कीमत की हिक विजन कंपनी की DVR मशीन, ऐसा कुल मिलाकर 2,47,705 रुपए मूल्य का माल मुद्दा चोरी कर लिया गया, जिसकी शिकायत थाने जिले में स्थित बदलापुर क्षेत्र के बदलापुर पुलिस थाने में दर्ज की गई। इस अपराध को सुलझाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन से खोज करते हुए और गुप्तचरों की सूचनाओं पर इस अपराध में 5 अपराधियों को अपराधी जानकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 अपराधियों को हिरासत में लेकर चोरी की गई गोदरेज कंपनी की मैट्रिक्स लॉकर यानी तिजोरी बरामद की गई और बाकी के अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। ये थी हमारी आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरों पर जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।